आगे प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 9। ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो यहां देखिए पहले पार्ट में आपको क्या दे रखा है कि एक पेट्रोल की बंद बेलनाकार टंकी दी हुई है जिसका व्यास 4.2 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो है वो कितनी दी हुई है 4.5 मीटर दी हुई है। इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल में पहले पार्ट में हम लिखेंगे कि बेलनाकार टंकी का व्यास, व्यास को हम डी से लिखते हैं, कितना 4.2 मीटर, और बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो 4.2 का आधा 2.1 मीटर जो है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब टंकी की ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई जो एच है वो किसके बराबर होगी, 4.5 मीटर के बराबर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, 2πrh सूत्र आपको पता है। तो 2π हम लेंगे 2/7, r 2.1, 2.1 के पॉइंट हटा लेता हूँ, साथ ही साथ बटे में 10 आ गया। h कितना है 4.5, इसका भी मैं 10 हटा लेता हूँ। तो 7 × 7 = 21 और 2 × 2 = 2, 5 = 10, 5 × 9 = 45। तो ये आ जाएगा 22 × 3 = 66 और 66 को हम 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 594 बटे 10, तो 59.4 वर्ग मीटर जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखिए कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। तो पहले तो हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में अगर हम देखें तो कैसी टंकी दे रखी है, बंद बेलनाकार टंकी दी हुई है। देखिए यहाँ पर बंद बेलनाकार टंकी दी हुई है, तो कुल कितना इस्पात लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद हम 1/12 भाग जो नष्ट हो गया उसका हिसाब किताब करेंगे। तो यहां देखिए कि टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2πr×r+h, 2π की वैल्यू 2/7, आर कितना था 2.1, तो 21/10 इंटू आर प्लस एच, 2.1 + h कितना था 4.5। तो 7 × 7 = 21, तो 22 × 3 = 66 और 66 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 × 6 = 18, इसलिए 3 × 6 = 18 और 1 = 19, 198 बटे 10 और ये हो जाएगा 5 × 6 = 4/2 = 6.6। तो अब देखिए कि 198/10 गुणा में 66/10 और 198 और 66 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8712/100, तो 8712/100 करेंगे तो 87.12 वर्ग मीटर जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए कि यहां पर आपको दिया हुआ क्या है कि
यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, तो यहां पर माना कुल इस्पात लगा बराबर एक्स वर्ग मीटर, तो नष्ट भाग कितना हो गया, नष्ट भाग हो गया एक्स का 1/12 वर्ग मीटर, और शेष कितना बच गया, शेष बच गया एक्स माइनस एक्स 1/12। तो ध्यान से देखिए कि कुल कितना लगा, मान लिया हमने एक्स, एक्स का 12वां हिस्सा नष्ट हो गया, तो शेष क्या बच गया, एक्स माइनस एक्स 1/12, और जो शेष बचा वो किसके बराबर, 87.12 के बराबर है। तो यहां पर मैं कर देता हूं, थोड़ी सी जगह बची है, तो प्रश्नानुसार एक्स माइनस एक्स 1/12 बराबर 87.12, ठीक। अब दोनों तरफ 12 से गुणा कर दो इसको, 12x माइनस एक्स बराबर 12 गुणा 87.12, 12x में से एक एक्स माइनस होगा तो कितना होगा, 11x, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक बार गुणा करने की बजाय सीधा लिख देते हैं 87.12, अगले स्टेप में 11 यहां से ऐड करके इसके बटे में आ जाएगा, और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 95.04 वर्ग मीटर। ओके, तो टंकी बनाने में जो इस्पात लगेगा वो कितना लगेगा, 95.04 वर्ग मीटर इस्पात लगेगा। ओके, अब प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 10 देखिए। आकृति में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए कि यहां पर आपको ये एक लैंप सेट दिखाया हुआ है चित्र में, तो मैं इसको दोबारा से ड्रा कर लेता हूं। यहां पर ये एक लैंप सेट है, इसका जो व्यास दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है वो 30 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है कि फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़, इसको एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, और ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। यानी जो अतिरिक्त कपड़ा आएगा वो कहाँ आएगा, 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर ही ऊपर आएगा, यानी कपड़ा आएगा आपका यहां तक, यहां से यहां तक, तो 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है, 5.0, यानी 2.5 + 2.5 5 हो गए, तो 30 तो यहां से यहां तक की ऊंचाई होगी, 5 और होगी टोटल मिला करके, तो इस कपड़े की टोटल ऊंचाई कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए कपड़ा जो मुड़ा हुआ है ये भी क्या हो गया, एक बेलन की तरह से हो गया, तो ये कपड़ा जैसे इसके चारों तरफ हम लपेटेंगे तो कपड़ा भी एक बेलन का आकार ले लेगा। तो यहां से अब जो मैंने डॉटेड जो बेलन ड्रा किया है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देंगे, कपड़े का क्षेत्रफल भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहेंगे फ्रेम के आधार का व्यास, फ्रेम के आधार का व्यास, व्यास को हम डी से लिखते हैं, जो किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर। फ्रेम के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, 20/2 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, तो अब फ्रेम की ऊंचाई, फ्रेम की ऊंचाई, फ्रेम की ऊंचाई आपको दी 30 सेंटीमीटर, ठीक, और फ्रेम की ऊंचाई को मैं कैपिटल एच लिख रहा हूं एक बार, ठीक है, और
कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई इसको मैं एच लिख लेता हूँ स्मॉल एच, जो किसके बराबर है 30 + 2.5 नीचे वाला, 2.5 ही ऊपर वाला, 35 सेंटीमीटर जो है वो कपड़े की लंबाई आ जाती है। अब आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल, आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि ये जो कपड़े से जो बेलन बना उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा 2πr, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे 2π की जगह 22/7, r की जगह 10 और h की जगह 35, फिर 7 × 7 = 35 हम इसको कट कर देंगे, तो 22 × 44, 44 × 5 = 220, 220 और 10 की गुणा आ जाएगी 2200 वर्ग सेंटीमीटर जो है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ओके, तो इस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 11 देखिए, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। अब देखिए कि ये एक कलमदान है जिसका एक ही आधार लेना है, दूसरा खुला रखना है, तो प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या दी हुई है, यहाँ पर त्रिज्या दी हुई कितनी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि एक कलमदान का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एक आधार का क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं, तो एक कलमदान का में जो गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो उसको हम 35 से गुणा कर देंगे, विद्यालय को जितना गत्ता देना होगा उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें जो चीजें दे रखी है वो लिख देते हैं। एक तो कलमदान की त्रिज्या, कलमदान की त्रिज्या आर जो कितना होगा 3 सेंटीमीटर, कलमदान की ऊंचाई एच जो 10.5 सेंटीमीटर। अब कलमदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल जो है कितना आ जाएगा कि कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा इसके आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2πr h, और आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार आधार होता तो πr² अब 2π कितना हो गया 22/7, r 3 और h है 10.5, और यहाँ पर पाई होगा 22/7 r² यानी 3 × 3। ओके, तो यहाँ से देखिए कि ये पॉइंट हटा लेता हूँ मैं, बटे में 10 आ गया, ठीक। तो 2 × 2 = 2, 5 = 10, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 5। अब देखिए 7 × 7 = 21, तो ये आ गया 22 × 3 × 3, और इधर भी आ गया 22 × 3 × 3 =
बटे में सात है। तब देखिए 22 गुणा 3 3 9, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचे एक, और ये 22 गुणा 9 कॉमन आ गया, एक बटे सात है। ठीक, 9 दुनी 18 और 9 दुनी 18 एक 19। ठीक, चाहे तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए 198, फिर इकट्ठा कॉमन ले लें, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सात एलसीएम आ गए, सात एकम सात प्लस एक, तो ये आ जाएगा 198 गुणा में सात और एक आठ बटे सात। तो 198 का जब हम आठ से गुणा करेंगे, आठ अठ 64 हासिल छः, आठ निमे 72 और छः 78, सात आठ कम आठ और सात 1584 बटे सात वर्ग सेंटीमीटर। ये एक कलमदान में जितना गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह पड़ी, यहाँ मैं कर देता हूँ कि एक कलम दान के लिए आवश्यक गत्ता या गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 1584 बटे सात वर्ग सेंटीमीटर, और 35 कलम दानों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। 1584 बटे सात को हम 35 से गुणा करते हैं, सात एकम सात, सात पांचे 35, 1584 को आप 5 से गुणा कर लीजिए, 7920 वर्ग सेंटीमीटर जब आ जाएगा। ठीक, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि कलमदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल क्या है। कलमदान का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो अब सारी वैल्यूज रख दीजिए, इनकी गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो 198 कॉमन आ जाएगा, और अंदर ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 8 बटे 7 आ जाएगा, जब इसको हल करोगे तो 1584 बटे 7, 1584 बटे 7 को 35 से गुणा कर तो आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगर कोई आपकी क्यूरी हो, कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।